सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने YouTube पे कोई नया चैनल बनाया है जिसपे आपको सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डालना है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम नया चैनल बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट्स का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे आपको शो नहीं होता है, तो उसको यहाँ पे अनेबल कैसे करना है, तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली से प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना यूट्यूब। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन आया हुआ है, आपको सिंपली से इसको अपडेट कर लेना है। तो अपडेट कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे सिंपली से अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद क्या करना है, आपको अपना जो ऐप है यूट्यूब का उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे जो बीच वाला आइकन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो शॉर्ट्स का जो अपलोड है, शॉर्ट्स का जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे मेरा कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। तो इसको अनेबल करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली से यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो यहाँ पे लाइब्रेरी का जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे साइड, आपको सिंपली से उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से जो थ्री डॉट का जो ऊपर यहाँ पे आइकन दिख रहा है, ये जो यहाँ पे, उस पर सिंपली से चले जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। सिंपली से आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद क्या करना है, सेटिंग में नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक का जो ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हेल्प एंड फीडबैक का जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे है, आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सेंड फीडबैक का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंपली से इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब को मैसेज भेजना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसा लिखा आपको सिंपली से वही करना है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखना है, हेलो सर, इन माय न्यू यूट्यूब चैनल आई हैव नॉट एबल टू अपलोड शॉर्ट्स वीडियो बिकॉज इन माय न्यू चैनल आई हैव नॉट एबल टू अपलोड शॉर्ट्स, सो प्लीज अनेबल माय यूट्यूब शॉर्ट्स ऑप्शन एज सून एज। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मैंने जिस तरह से यहाँ पे लिखा आपको सिंपली से ये लिख के आपको यहाँ पे कुछ भी थैंक यू वगैरह लिख के आपको यहाँ पे सिंपली से इसको सेंड कर लेना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम आपको 24 घंटे या 48 घंटे, एक या दो दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको वापस यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्या बोलते हैं बाटा का जो एक ऑप्शन रहता है बेटा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंपली से उसको यहाँ पे अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यूट्यूब पे होगा, दो दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जो शॉर्ट्स का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको शॉर्ट्स का जो ऑप्शन होता है उसको अनेबल करना है। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह का अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।